प्यार साथियों, देखिए आज के स्टूडियो में सवाल कुछ इस प्रकार से हमारे सामने कि भाई यहाँ क्या संख्या होनी चाहिए जिसमें हम अगर 25 से भाग दें और फिर जो संख्या आएगी उसमें हम 12 से भाग दें तो हमें आंसर क्या मिले, 248.76। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में आप सबसे पहले इसकी जगह पर कुछ मान लें। चलिए हम इसकी जगह पर पी मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी के बटे में आ जाएगा 25 और भाग में हमारा क्या बचा है अभी 12, बराबर में 248.76। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पी बटे 25 आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि ये चिन्ह गुणांक बदल जाता है और ये संख्या उल्टी इसका रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1/12 हो जाएगी और बराबर में 248। देखिए जब इस तरह एक सवाल को पेपर में करेंगे तो कुछ स्टेप्स को आप हवा में ही कर लेंगे, जैसे कि हमें पी यहाँ पर मानना और ये लिखना जोड़ नहीं पड़ेगी। जब आप सॉल्व समझ जाएंगे तो आप ये दो स्टेप लिखेंगे नहीं, सीधा जब क्या करना है उसकी बात करेंगे। तो उसी तरीके से हम फिलहाल क्योंकि समझ रहे हैं सवालों को तो इसलिए एक एक स्टेप को अच्छे से करके चल रहे हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 25/12 उसकी गुणांक पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर पी बराबर क्या आएगा 248.76 × 25 × 12। और हमें पता है कि यदि मैं दशमलव को यहाँ से हटाऊँ तो नीचे 100 आ जाएगा और 25 से 100 चार बार कटेगा, 25 से ये 100 चार बार कटेगा और ये 4 से ये 12 कटेगा 3 बार, 4 × 3 = 12। और कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या बचा 248.76 × 3, और तो कुछ नहीं बचा है ना। तो सीधे सीधे गुणा करनी है हमको, 3×6 = 18 हासिल लगा 1, 3×7 = 21 और 1×22 हासिल लगे 2, 3×8 = 24 और 2 = 26 हासिल लगे 2, 3×12 = 14 हासिल लगा 1 और 3×2 = 6 और 1=7। चलिए तो कुछ प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 74,628। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कठिन नहीं था सवाल के अंदर।